अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हमने देखा कि जब अस्वद और महरीन की मंगनी की खबर हुई तो मशल ने बहुत गु़स्सा किया और शगुफ्ता और ताहिर ने तो महरीन को घर से निकलने तक के लिए कह दिया और कहा कि अपनी माँ के घर चली जाओ। जब महरीन ने ये बात सालिहा यानी अस्वद की माँ को बताई तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे घर शिफ्ट हो जाओ यानी अस्वद के घर, क्योंकि उनका जल्द अस्वद और महरीन के निकाह का इरादा था। अस्वद महरीन को घर छोड़ने जाता है, शब्बो उसको देखती है और शब्बो ये खबर मशल को देती है कि महरीन को अस्वद छोड़ के गया है और बहुत से साजो सामान के साथ छोड़ के गया है, शायद उसमें शादी का जोड़ा भी है। मशल को बहुत गु़स्सा आता है, गुस्से में जाकर वो अस्वद से बात करती है। अस्वद उसको कहता है कि मैंने तुम्हें शादी का तो नहीं कहा लेकिन मुझे हमेशा कज़न के तौर पे देखा और सोशल मीडिया पर होने वाली बातचीत को तुम रोमांस का रंग ना दो। अब चूंकि मेरी माँ ने फैसला किया है तो मुझे उसको मानना पड़ेगा और महरीन से ही शादी करनी होगी और इस टॉपिक को मज़ीद डिस्कस ना करो। मशल इस पे कहती कि तुम किसी से भी शादी कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मगर महरीन से नहीं करो, क्योंकि महरीन से हमेशा से उसको जेलसी रही थी। मशल घर वापस आकर महरीन पर गुस्सा करती है, उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करती है मगर महरीन उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें अस्वद दे देती, लेकिन अगर मैं तुम्हें अस्वद दे देती तो तुम सफवान को भी मेरा ना होने देती, क्योंकि तुम्हें अस्वद से मोहब्बत नहीं, तुम्हें बल्कि सिर्फ मुझे तकलीफ़ देना मकसद है तुम्हारा। बचपन से तुम यही कुछ तो करती आई हो मेरे साथ। अस्वद की माँ महरीन और उसकी माँ को अपने घर बुलाती है। महरीन की माँ महरीन के लिए कपड़े और जेवरात लाती है मगर महरीन उन्हें लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसकी माँ की वजह से ही तो लोग उसके साथ ज़्यादती करते आए थे। महरीन जब इस अस्वद के घर में थी उस दौरान मशल मामूल के मुताबिक उसके कमरे में जाती है, उसकी शादी का दुपट्टा पहनती है, फिर उस दुपट्टे को कैंची से काट देती है। अब व्यूअर्स हम आगे देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि कमिंग सून नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि पुलिस आ गई है और शगुफ्ता का भी फक चेहरा दिखाया गया है, शब्बो को भी अजीब अंदाज में दिखाया गया है और महरीन को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आगे क्या हुआ है, क्या आखिर मशल ने क्या किया जो महरीन को पुलिस पकड़कर ले गई है और सालिहा को भी बहुत रोते हुए दिखाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मिलेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।